और विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज मैं जिस धरती पर आया हूं उस धरती पर श्री एम वेंकैया नायडू जी पैदा हुए, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर छात्र जीवन से ही समाज के गरीब, अभाव, वंचित लोगों की सेवा करने का संकल्प किया। वेंकैया नायडू जी साहब ने हमको, जब हम युवा मोर्चा बीजेपी यूथ में काम कर रहे थे, उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडेंस से किस तरीके से संगठन में काम करना चाहिए, संगठन में काम करते हुए कार्य संस्कृति क्या होना चाहिए, संगठन में कार्य करते सर्वोपरि देश होना चाहिए, ऐसा वेंकैया नायडू जी ने मेरे जैसे हजारों लाखों नौजवानों को देश और राष्ट्र के लिए तैयार किया। उनकी गाइडेंस से, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से हमने कोशिश की, प्रयास किया। आज भी उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है और जब मैं लोकसभा का स्पीकर बना तो उन्होंने किस तरीके से भारत का लोकतंत्र, भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं को समय समय पर मुझे मार्गदर्शन देने का काम किया, गाइडेंस देने का काम किया। आज मैं जिस जगह आया हूं, मैंने कई चैरिटेबल ट्रस्ट देखे, इंस्टीट्यूशन भी देखे, बहुत बड़ी आध्यात्मिक धार्मिक संस्थाएं भी देखी, लेकिन ये स्वर्ण भारत ट्रस्ट अपने आप में जैसा वेंकैया नायडू जी का, उनके परिवार का, उन्होंने अपने मित्रों को जो दिशा दी, वैसे उनकी सोच को परिलक्षित करते हुए कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव कैसे ला सकते हैं, आज मैंने स्वर्ण भारत ट्रस्ट के अंदर देखा। क्योंकि वर्षों तक मैं भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में हूं, कई संस्थाओं में, कई ट्रस्टों में जाना हुआ है, लेकिन यहां पर वो दूर दराज गांव के अंदर कई के माता नहीं है, कई के पिता नहीं है, कई धन के अभाव में जिन बच्चों ने शिक्षा छोड़ दी, सबसे पहले समाज के उस अंतिम व्यक्ति से इस ट्रस्ट की यात्रा शुरू की, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार, अच्छी संस्कृति, ताकि वो अच्छी शिक्षा संस्कृति प्राप्त करकर देश का एक सर्वश्रेष्ठ नौजवान बन सके, उनको गांव उठानी से लाकर, जैसे ही वेंकैया नायडू जी की का संवेदनशील और मातृत्व और हमेशा संवेदना उनके कार्य की संस्कृति में रहा है, उसी तरह उनकी बेटी दीपा जी ने भी देखा कि किस तरीके से एक परिवार की चार बच्चियां
जिनके माता पिता उनको पढ़ा नहीं सकते थे, संभाल नहीं सकते थे, पिता नहीं थे, उनको पढ़ने के बाद अखबार में वहां लाना और उनको पूरी शिक्षा संस्कृति ज्ञान देने के साथ जब तक उन पेड़ों पे खड़ी न हो जाए, जब तक उनकी शादी न हो जाए, उनको एक बेटियों की तरह पालना, ये एक पिता के ही संवेदनशील संस्कार है। और उसके बाद फिर कैसा एक विद्यालय होना चाहिए, कैसा एक शिक्षा का केंद्र होना चाहिए जहां केवल शिक्षा ज्ञान नहीं, उसकी बहुआयामी प्रतिभा का कौशल हो, कुशलता हो, शिक्षा उसके जीवन के अंदर मानसिक बौद्धिक रूप से उसको तैयार करती है, लेकिन बौद्धिक रूप से तैयार होने के बाद उसकी कार्य कुशलता, उसकी शारीरिक क्षमता का विकास, आध्यात्मिक संस्कृति हो, जीवन जीने की सही कार्यशैली हो, उसके लिए भी एक विद्यालय चलाना और विद्यालय में इसी तरह का अध्यापन और संस्कृति का काम देना। उसी तरीके से जो दूर दराज के गांव के बच्चे हैं उनको स्वर्ण भारती विद्या मंदिर के माध्यम से उनको इस राज्य की, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति और उसके साथ साथ वर्तमान आधुनिक शिक्षा देने का काम भी इस ट्रस्ट के माध्यम से करा गया। स्वर्ण भारती ज्ञान केंद्र जिसके माध्यम से इस संस्था ने किस तरीके से आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए हम बेहतरीन कार्यकुशलता के साथ उसको स्किल्ड कर सके, उसकी कुशलता को बेहतरीन कर सके, ताकि जब वह कभी यहां से स्किल्ड होकर जाए तो दो टाइम की रोटी का इंतजाम कर सके, वो एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ स्किल्ड नौजवान हो, उसके लिए जितनी भी स्किल्ड हो सकता है, चाहे मकान बनाना हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे कंप्यूटर हो, इन सारी 17 ट्रेड के अंदर उसकी कुशलता का काम करने का काम किया। और उसके साथ साथ किस तरीके से महिलाओं को ग्रामीण स्वरोजगार के माध्यम से हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सके, वो अपनी पैरों पे खड़े हो सके, सिलाई मशीन के साथ साथ उनको अन्य ट्रेड, जो ट्रेड वर्तमान समाज में जिनकी आवश्यकता है, जिनकी डिमांड रोजगार के लिए कहीं ना कहीं देश के अंदर देश के बाहर जिनकी डिमांड है, उनको ग्रामीण स्वरोजगार के माध्यम से सेल्फ हेल्प खड़ा करना, स्वरोजगार के माध्यम से खड़ा करने का काम भी इस ट्रस्ट ने बेहतरीन से किया। इसी तरीके से जरूरतमंद लोगों को जो पढ़ाई आगे नहीं कर पाते, किसी परिस्थिति में नहीं कर पाते, उनको सारी एक छत के नीचे, मैंने कई इंस्टीट्यूशन देखे, कई एक की ट्रेनिंग होती है, दो की होती है, तीन की होती है, 17 ट्रेड के अंदर जहां उनकी स्किल्ड करना, बेहतरीन इंस्टीट्यूशन से स्किल्ड करना और उसके साथ साथ उसको रहने खाने भोजन सारी व्यवस्था करना, ये मैंने किसी इंस्टीट्यूशन में देखा जो मैंने यहां पर इस भारत स्वर्ण भारत ट्रस्ट में देखा। और इसी तरीके से महिला सशक्तिकरण, युवा सशक्तिकरण और विशेष रूप से मैंने यहां देखा कि वर्तमान में दुनिया के अंदर आईटी के मामले के अंदर हमारा देश प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में
और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में, तमाम तकनीकी ज्ञान से हमारा नौजवान तैयार हो, गांव के दूर दराज गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी वर्तमान आधुनिक शिक्षा के साथ उसको आईटी की ट्रेनिंग हो, ताकि देश और दुनिया के अंदर हर परिस्थिति के अंदर वो दुनिया के अंदर या देश में कहीं जाए तो उसके पास रोजगार की ताकत खड़ी रहे। इसके लिए आईटी की ट्रेन और ट्रेन में भी जिस तरीके से बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण का काम दिया जा रहा है, निश्चित रूप से अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से दूरस्थ शिक्षा का जमाना है। कोरोना में हमने देखा है कि किस तरीके से, कोई जमाना था जब कहते थे कि यह संभव नहीं है, टेलीमेडिसिन हो, टेली एजुकेशन हो, टेली ट्रेड हो, तमाम चीजों को चाहे कोरोना हो चाहे किसी परिस्थिति में हो, दूर दराज के गांव के अंदर भी बैठकर टेली एजुकेशन ले सके, इसके लिए संस्थान ने व्यापक रूप से काम किया। और विशेष रूप से हमेशा माननीय वेंकैया नायडू जी ने किसान की चिंता की। किसान, मजदूर, गरीब, वंचित, उनके जीवन के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से रहे। और जब वो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री बने, तो उन्होंने किसानों को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे उनकी उपज का ठीक मूल्य मिले, इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से जो देश में पहली बार शुरू की गई, जिससे कि एक हर गांव की कनेक्टिविटी, आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना किसान को आत्मनिर्भर बनाना, उसकी उपज को ठीक मूल्य मिलना और उसकी जिंदगी को बेहतर करने में अगर कोई सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योजना है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जो वेंकैया नायडू जी के प्रयासों से इस देश के अंदर शुरू की। और उसके बाद उन्होंने किसानों के लिए हमेशा, वो अपने जीवन में जब भी देश के अंदर जाते थे किसानों की चिंता करते थे, किस तरीके से किसानों का कल्याण हो सके, किसान नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके। आज मैंने देखा कि इस छोटे से गांव के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी का आज उद्घाटन किया गया, और आने वाले समय के अंदर ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कम लागत में अधिक उत्पादन की दिशा में ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर कम खाद, ठीक बीज और उसकी पेस्टिसाइड, जो बीमारी जिसकी उसकी पेस्टिसाइड का उपयोग करना आवश्यक हो, तो इसके लिए किसानों की हर स्तर पर, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, चाहे फसल की नई तकनीकी हो, औषधि पौधों की नई तकनीकी हो, जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा सके, लागत कम कर सके, वह सारा का सारा प्रशिक्षण यहां इस केंद्र से मिल रहा है, ताकि आने वाले समय में देश का किसान सशक्त होगा तो भारत मजबूत होगा। इस दिशा में उनकी सोच है और मुझे लगता है कि इस तरीके से किसानों को प्रशिक्षण देंगे तो एक आत्मनिर्भर किसान हम बना पाएंगे। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से काम किया। और मैं आज मैंने देखा कि चिकित्सा के मामले में वो हमेशा संवेदनशील रही है, भारत स्वस्थ रहे। आज भी हमें याद है कि इतने प्रयासों के बाद भी हम चिकित्सा के केंद्रों या चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र के गांव तक नहीं पहुंचे। और वेंकैया नायडू जी की सोच, उनकी प्रेरणा थी कि इस ट्रस्ट के अंदर तमाम दूर दराज के गांव के अंदर, जहां स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, वहां पर किस तरीके से इस देश के महत्वपूर्ण डॉक्टर यहां आकर उनको अपने घर में बेहतरीन चिकित्सा का उपचार कर सके और स्वस्थ हो सके, इससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। और मैंने देखा कि किस तरीके से आई के अंदर, जिस तरीके से वहां कैंपस में भीड़ पड़ी हुई थी, बड़े बड़े बुजुर्ग महिलाएं पुरुष थे,
जो शायद ये ट्रस्ट न होता और ये आई का केंद्र नहीं होता, तो कई बार मैं गांव के अंदर जाता हूं तो गांव में देखता हूं कि लोग जानकारी के अभाव में या जानकारी हो तो धन के अभाव के अंदर कई बार आंखों और दांतों का इलाज नहीं करा पाते। वेंकैया जी इस बात को समझते थे कि लोग आंखों और दांत एक ऐसी चीज है जो परिस्थिति से समय निकालती रहती है, लगता आज करा लेंगे कल करा लेंगे, और एक समय आता है जब उनकी आंख खराब हो जाती है और उनका दिखना बंद हो जाता है। और इसको देखते हुए आपने यहां पर आई का एक केंद्र खोला जहां पर हैदराबाद का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन यहां पर उनकी आंखों का इलाज करता है, ऑपरेशन करता है, चश्मा फ्री मिलता है ताकि वो आंखों से हमेशा दुनिया को देख सके। और डेंटल के रूप में तो मैंने कोई संस्था नहीं देखी, लेकिन इनका सोच था कि दांत की वजह से भी कई बार कई बीमारियां हो जाती है और जो दांत बहुत लंबे समय चलते हैं उनके इलाज के भाव में उनका नहीं सकता, इसके लिए भी विशेष रूप से किया। मैं कह सकता हूं कि जितना स्वर्ण भारत इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट और वेंकैया नायडू जी के परिवार, जो सारा परिवार पिताजी का, पिताजी के दिया हुआ ज्ञान अनुभव चरित्र करैक्टर, उनकी संवेदना परिवार में परिलक्षित होती है और इसीलिए परिवार ने भी सारा समर्पण समाज को दिया है। गरीब वंचित अभाव में रहने वाले व्यक्तियों को अपनी जिंदगी समर्पित की है, क्योंकि वेंकैया नायडू जी के जीवन में कह सकता हूं कि उन्होंने एक सामाजिक राजनीति जीवन के माध्यम से वो जहां भी रहे, विद्यार्थी काल के अंदर छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, विधायक के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में रहे, बीजेपी यूथ में रहे, उसके बाद राज्य के पार्टी के अध्यक्ष रहे, महामंत्री रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे, संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सांसद मंत्री और फिर बाद देश के उपराष्ट्रपति। हमें गर्व होता है वेंकैया जी का सार्वजनिक जीवन जिस सादगी और संवेदना के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी को दिया है, हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता आज भी हमें प्रेरणा देने का काम करते हैं। इसलिए विभिन्न पदों पर रहते हुए भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी, उन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में भी, जिस तरीके से लोकतंत्र सशक्त हो, लोकतंत्र जवाबदेह हो और चुने हुए प्रतिनिधि या राज्यसभा के प्रतिनिधि किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कर सके, उनका योगदान हमेशा याद रहेगा और हम सब लोगों को इसी तरीके से उनका योगदान प्रेरणा देता रहेगा। मैं उनके बारे में जितना शब्द कहूँ उतना कम हूँ, क्योंकि जब मैं युवा मोर्चा में था तो भी, और मैं जब पहला चुनाव लड़ा तो पहले चुनाव के अंदर मेरी एक आम सभा हुई थी वेंकैया नायडू जी की, और उस आम सभा के बाद लोगों ने कहा कि अब आपकी जीत पक्की है। मैं आपको कह सकता हूं कि साउथ के नेता होने के बाद भी उत्तर भारत के तमाम गांवों के अंदर कोई गांव कोई शहर न छोड़ा होगा जहां आपने अपने विचारों को व्यक्त नहीं किया। और जब वेंकैया जी बोलते थे तो आधा घंटा बोले तो 15 मिनट तक लोग तालियां और मुस्कुराकर उनकी वाक्पटुता उनकी शैली आज भी लोग याद करते हैं। और शायद मुझे तो पता है कि वो सुबह 4 बजे आए और 5 बजे वापस चले, उनका जो मूवमेंट था, ऐसा कोई नेता नहीं होगा देश के अंदर जिसने वेंकैया नायडू जी जैसे दुनिया देश के अंदर मूवमेंट करने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि वेंकैया जी कभी भी चाहे किसी भी संगठन के पद पर है चाहे संवैधानिक पद पर है, लेकिन उनका मूवमेंट 24 घंटे चलता रहेगा। और अभी भी जब उपराष्ट्रपति नहीं रहे तब भी उन्होंने कहा वेंकैया जी घर न बैठ सकते, उनका मूवमेंट तो देश भर के अंदर चलता रहेगा, चाहे वो राजनीति में सीधे प्रत्यक्ष नहीं हो लेकिन देश आगे बढ़े और देश के अंदर एक अच्छे नागरिक बने और देश में लोगों में कर्तव्य भावना के साथ राष्ट्र के प्रति प्रेम हो,
ये वेंकैया जी का योगदान हमेशा रहेगा। आज मुझे बहुत खुशी है कि उनके कारण मुझे भी आज यहाँ आने का मौका मिला। शायद बोलने कहते तो मैं इस अनुभव को प्राप्त नहीं कर पाता, इसके लिए मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं मेरे इलाके के अंदर जो यहाँ कुछ सीखा है समझा है उसको मेरे इलाके में करूं, और जो सांसद यहाँ आएंगे वो भी देखेंगे तो वो भी इलाके के अंदर अपने अपने क्षेत्र में गरीब वंचित लोगों की सेवा करने का काम करे, किस तरीके से विद्यार्थियों में काम करना है, किसान में काम करना है, मजदूर में काम करना है, हर सेक्टर के लोगों के लिए कैसे एक इंस्टीट्यूशन के माध्यम से उनके जीवन को परिवर्तन किया जा सकता है ताकि हम सामाजिक जीवन के साथ उसके आर्थिक जीवन को परिवर्तन कर सके। इसके लिए मैं विशेष रूप से ट्रस्ट के सभी सदस्यों को, विशेष रूप से उनकी बेटी दीपा जी को जो अपने पूरे जीवन को जिन्होंने इसके लिए समर्पण किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।